हम गूगल की बात कर रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसके जो छोटे छोटे फीचर्स हैं उसको समझ लें. वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्मॉलेस्ट फीचर ऑफ गूगल. मे बी इट्स वेरी स्मॉल एंड अ वेरी यूजफुल वन. लाइक फॉर एग्जाम्पल कीप, बहुत सुनने में छोटा लगता है, इसकी यूटिलिटीज शायद ऐसी लगे कि क्या फर्क पड़ता है हम कीप को अपडेटेड रखें या ना रखें. बट वेन वी रियलाइज दैट कि कीप कितना बड़ा काम कर जाता है, या गूगल कैलेंडर या जीमेल या ड्राइव, तो आई थिंक आज उसी सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम ये गूगल को समझे एंड हाउ दिस गूगल कैन चेंज आवर लाइफ. बिकॉज डे इन डे आउट वी आर विथ आर मोबाइल फोन. हम हमारे फोन के साथ कंटिन्यूअसली रहते हैं एंड हमारे फोन के साथ दो चीजें रहती हैं, एक हमारा इंटरनेट कनेक्शन, दूसरा हमारा गूगल. सो दिस टू ऑलवेज हेल्प्स अस इन एनी काइंड ऑफ ए सिचुएशन. अभी लॉकडाउन में भी व्हाट आर द लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड द फेज 4 ऑफ लॉकडाउन. सो वी दिस लॉकडाउन हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 31st of May. Still, the guidelines are pending, yet to come. By 8-9, we will receive these guidelines. But it is all because of Google and the social media and the network and the news channels. मुझे पता चला क्योंकि मुझे एक WhatsApp मैसेज आया और वो भी स्क्रीनशॉट था. सो आई थिंक हम जितना कम्युनिकेट करना चाहते हैं लोगों के साथ, कहीं ना कहीं हम इंटरनेट, WhatsApp और गूगल, ये तीनों के कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं. So, let us understand first the basics of Google. यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और आपको मेरा डायरेक्टली स्क्रीन दिखेगा गूगल वाला. देर इज नो पीपीटी प्रेजेंटेशन इन द फर्स्ट ग्लैंस. थोड़ा ईमेल एटिकेट के बारे में जब हम बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द सेम. बट अदरवाइज ऑल दैट वी हैव टू सी इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करोगे तो बहुत अच्छा होगा. All that I'm going to talk today is क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. That's it, as simple as that. 1, 2, 3, 4, and we can immediately start doing it. ये बहुत जरूरी है कि आप करें. आपने चाहे मेरा LinkedIn का सेशन अटेंड किया है या WhatsApp का अटेंड किया है या तो यूएलए में जितने भी सेशंस अब तक आपने अटेंड किए हैं, the result of this sessions attended will be only if you practice it, if you implement in your routine. So इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि सिर्फ अटेंड करना, सेशन अटेंड करना आपको नॉलेज देगा, जो तो गूगल के भी पास है, जिसके लिए आपको सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं है. बट अटेंड कैसे किया जाता है, जो फैकल्टीज आपको एक्सप्लेन करते हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस. एंड दिस वाई विद दिस लेट अस स्टार्ट. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. हाउ मेनी ऑफ यू डोंट हैव एन अकाउंट ऑन गूगल? कितने लोगों का अकाउंट गूगल पे नहीं है? जस्ट राइट डाउन येस और नो ऑन द स्क्रीन बोर्ड. इफ यू हैव द अकाउंट ऑन गूगल राइट येस, इफ यू डोंट हैव से नो. आई एम एक्सपेक्टिंग समबडी टू राइट नो. येस, ऑल येसेस. आई एम वेरी श्योर आई विल नॉट गेट अ सिंगल नो ऑन दिस. The second question, how many of us are using our Google or our Gmail 100%? If you are using 100%, write yes. The rest, write the percentage. You are using 10%, 20%, 30%, 40%. What percentage of Google you are using? Everybody must be having a Gmail account. That's why I'm asking. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Write down the percentage. What percentage of Deep Thakkar has written no, 100%. Wrinkle says 100%. Okay, there are some who says 30%, 50%, 30%, 15, 50, 40, 40, 80, 90, okay, 75, 60. Somebody is saying, okay, Pramoji is saying only Gmail, okay. So we have a range from 20% to 100%. Let's see, all those who are saying 100%, are you still finding something different that you are not using today? Or those who are saying 20%, they might be using little more, but they are not aware that it is Google. And those who are at 50, 60, 40,
वी वॉन्ट टू इंक्रीज दिस परसेंटेज टू 90% और 80% और 70% और मे बी टू टू एन एक्सटेंट ऑफ 100% प्रोबेबली वी मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू यूज 100% बट कहीं ना कहीं वी विल रीच टू 80 to 90%. हम आज उसकी बात करेंगे. सो All right. All of you can see the screen? We will today talk about this 9 dots. If you can see on the screen, yahan pe ek 9 dots dikh rahe hain, this 9 dots. And we are going to talk about this. Mera already Gmail mein login hai, mere paas G Suite hai. अगर आपके पास जी सूट नहीं है तो भी ये सारे फीचर्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके जीमेल के साथ एसोसिएटेड हैं. सो डोंट वरी कि मेरे पास जी सूट नहीं है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 9 dots. व्हाट इज देयर इन द 9 dots? लेट अस अंडरस्टैंड दैट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 21 to 25 डिफरेंट एप्लीकेशंस गूगल की हैं जो हम यूज कर सकते हैं मोस्टली फ्री, एक्सेप्ट 1 or 2. The rest are free, and that's why we should be aware. हम सबको ये पता होना चाहिए कि Google क्या दे रहा है. So the first is Gmail. I'm not talking about. हाँ जी. I'm not talking about account and business right now. We'll take it little later. But सबसे पहले हम Gmail की बात करेंगे. So we get into the Gmail. आप सबका जीमेल भी इसी तरह ओपन होता होगा. कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा डिफरेंस है तो आप मुझे बता दीजिएगा. बेसिक फीचर्स के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास गूगल के अंदर यहाँ पे 3 dots हैं. ये 3 dots विल टॉक अबाउट द मेन मेन्यू. ये शॉर्ट या तो ब्रीफ हो सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी सोशल प्रमोशन अपडेट्स एंड फोरम्स. ये बाइफरकेशन करना बहुत जरूरी है ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि कौन से मेल्स हमें देखने हैं, कौन से मेल्स हमें नहीं देखने हैं. एंड वो कहाँ से कर सकते हैं? सेटिंग्स में जाना है. सेटिंग्स में जाके कॉन्फ़िगर इनबॉक्स में जाना है. जैसे ही आप कॉन्फ़िगर इनबॉक्स में जाएंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे. यू नीड ऑल दिस. सो इफ आई वॉन्ट प्राइमरी सोशल प्रमोशन अपडेट फोरम तो मैं इस सब को टिक करूंगी. मुझे सोशल नहीं चाहिए. आई डोंट वांट अ सोशल सेपरेटली, तो उसको मैंने हटा दिया है. और मुझे फोरम भी नहीं चाहिए तो उसको मैंने हटा दिया एंड सेव कर दिया. सो इट विल गो अवे फ्रॉम हियर एंड आई कैन ओनली सी 3, प्राइमरी प्रमोशन एंड अपडेट्स. इट मींस ऐसा नहीं है कि मुझे वो मेल्स नहीं मिलेंगे. वो मेल मिलेंगे बट सारे ही प्राइमरी में जाएंगे. एंड दैट्स व्हाई व्हाट इज एडवाइजेबल इज गो बैक टू कॉन्फिगर एंड आप सोशल और फोरम को ऑन कर दीजिए. अब सोशल फोरम प्रमोशन अपडेट्स क्या है? सो प्राइमरी आपको जो नॉर्मल मेल मिलते हैं, जो सेंडर आपको भेज रहा है, दैट इज नॉर्मल. यू रिसीव ऑलवेज ऑल द मेल्स हियर. सोशल मेल्स आर दोज ईमेल्स व्हिच आर लिंक्ड विथ योर सोशल मीडिया, चाहे वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो. इफ यू कैन सी हियर, ऑल द लिंक्डइन एंड यूट्यूब एंड फेसबुक ईमेल्स आर देयर. So, ये सारे सेपरेट मेल्स हैं जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक टैब बना दिया है, तो आपको सारे ही सोशल मीडिया के रिलेटेड मेल्स यहाँ पे आएंगे. देन यू हैव प्रमोशंस. ऑल दिस कंपनीज, जोमैटो है या हम जो भी साइट्स ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ पे भी हम क्लिक करते हैं, वो हमें एक प्रमोशनल मेल्स भेजते हैं. तो ये सारे प्रमोशनल मेल्स आपको यहाँ पे रिसीव होंगे. सो यू कैन सी जोमैटो के सबसे ज्यादा मेल होंगे या ग्रामरली जो एक ऐप है उसके मेल्स हैं, इंस्टार्ट के हैं, एडोब के हैं. सो दिस इज हाउ आई डोंट मिस माय इनबॉक्स, नॉर्मल इनबॉक्स विद ऑल दिस प्रमोशंस. अपडेट्स, कुछ भी हम अपडेट करते हैं वो सारे मेल्स मुझे अपडेट में मिलेंगे. तो यहाँ पे अगर गूगल में आपने आपका ईमेल चेंज किया, उसका एड्रेस चेंज किया, कोई अलर्ट्स आने हैं, ऑल दिस विल कम हियर. एंड फोरम्स आर वेरी स्पेसिफिक ईमेल्स जो कोई फोरम चला रहा है. जैसे नीति आयोग का एक मैंने सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो वहां से मुझे जो मेल आते हैं वो फोरम थ्रू आते हैं. सो दिस इज हाउ आई कैन बाइफरकेट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. काफी लोगों का मैंने इनबॉक्स देखा है, उनका इनबॉक्स इस तरह से होता है. सो नाउ इफ यू कैन सी, सब मेल यहीं पे दिखेंगे और इसमें से मुझे ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है. कुछ मेल्स मेरे काम के भी नहीं होते हैं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के मेल्स होते हैं.
सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज दिस काइंड ऑफ एन इनबॉक्स. और इसीलिए सबसे पहला काम आपको ये सेशन के बाद ये करना है कि अगर आपके इनबॉक्स में ये कैटेगराइज नहीं है तो उसको कैटेगराइज कर दीजिए. उसके बाद आता है कंपोज ईमेल. जैसे ही हम कंपोज में जाते हैं, आई नो एवरीबडी इज डूइंग दिस और सबको इसके बारे में पता है, बट छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जैसे मैं कर दूं कि आपको ईमेल एटिकेट का सेशन जब मैं लूंगी तो उसमें कुछ चीजें आपसे बात करूंगी, डिस्कस करूंगी. अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो यहाँ पे ईमेल एटिकेट की पीपीटी भी है. सो ऐसा हो सकता है कि लास्ट में चांस ना मिले तो कुछ चीजें साथ साथ ही बता दूं. सब्जेक्ट लाइन आपको बहुत क्लियर करनी है, वो कहाँ लिखेंगे वो भी बता देती हूँ. प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए, रिप्लाई ऑल के बारे में ध्यान रखना है और सिग्नेचर के बारे में. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थ्री ऑन हियर. सो हियर व्हेन वी राइट रिसिपिएंट, मेरा हमेशा ये मानना है कि जब भी हम ईमेल लिखते हैं तो पूरा मेल लिख दीजिए. आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखनी है अच्छे से सब्जेक्ट लाइन दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे टू में किसी का भी ईमेल एड्रेस लिखिए एंड देन सेंड बटन को प्रेस करिए. सिग्नेचर बॉक्सेस जो आपको अभी ये पोर्शन दिख रहा है, मेरा नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अ फोटोग्राफ दैट आई हैव एड, दिस इज ए सिग्नेचर ब्लॉक जो हमारे ईमेल में बाय डिफॉल्ट होना चाहिए. अब ये कहाँ से होगा, किस तरह से ईमेल लिखना है दैट यू नो. ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये बटन सेटिंग्स का, वहां से सेटिंग्स में जाना है. व्हेन यू गेट इनटू द सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स में जनरल दिखेगा एंड जनरल में यहाँ पे नीचे आओगे तो ये सिग्नेचर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर सेट करके रखना है. नाउ इन दिस सिग्नेचर यू कैन राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट. आप उसके फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, स्टाइल में लिख सकते हो, यहाँ पे कोई लिंक ऐड कर सकते हो. जैसे मेरे पास अगर मुझे मेरे फेसबुक का लिंक यहाँ पे ऐड करना है तो ऑल दैट आई हैव टू डू इज आई हैव टू गो टू माई फेसबुक. Open my page. This is the link. And यहाँ उसको copy कर लिया और यहाँ पे लिख दिया. FB. और यहाँ पे उसका URL दे दिया. तो जैसे ही मैंने URL दे दिया, connect with me on FB. ये मेरे email के signature में आ गया. So this is how I create my signature and I can add image from here. All this is important. आपको आपके signature को creative बना के यहाँ पे add कर देना है and end में यहाँ पे save करना है. I'll show you this once again कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है. अब क्योंकि हमने कुछ चीजें add की हैं, so you can see this connect with me on FB यहाँ पे आ गया when I draft my email. Once again we go to the settings because settings is very important. यहाँ पे से कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत focus रख के set करनी है. So normal behavior should be reply all. While replying all you have to be very careful कि आप किस तरह का reply all कर रहे हो. ये setting आपको बदलना है तो आप बदल सकते हो. Normally you should have reply या तो reply all depending on your nature of work. Students होंगे तो उनको reply चलेगा. आपका बेसिक फॉन्ट स्टाइल आप यहां से डिसाइड कर सकते हो. जब भी आप कंपोज करो तो कौन से नॉर्मल फॉन्ट में होना चाहिए. सो वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉन्ट्स, वो आप यहां से सेटिंग्स में से चेंज करो जो आपका परमानेंट है. और कभी कभी ये होता है कि जब हमें मेल्स आते हैं तो बहुत सारे इमेजेस आते हैं. नाउ दीज इमेजेस क्रिएट ए हैवी स्पेस इन द ईमेल बॉक्स एंड दैट्स व्हाई आस्क बिफोर डिस्प्लेइंग. और कभी कभी ये होता है कि ये इमेज, कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्पैम मेल आ गया, सही इमेज नहीं है, we cannot show this image. So ये option को हम choose कर सकते हैं ask before displaying the external image, ताकि ये होगा कि जैसे ही कोई image आएगी तो वो सीधा नहीं दिखेगी, आपको उसको approve करना पड़ेगा, उसके बाद आपको देख सकते हो. तो this is advisable. Grammar suggestion on रखना है ताकि कभी भी grammatical mistakes हो तो वो हमें show करे. Number two, spelling errors का भी same है. Autocorrect is very powerful. जब आप ऑटो करेक्ट को ऑन रखते हो तो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक, ई ए का मिस्टेक हो गया या एक लेटर आगे पीछे कर दिया, वो ऑटो करेक्ट कर लेगा. सो दिस इज ऑल्सो शुड बी रिटन. राइट सजेशन, ये एक नया फीचर है
करीब करीब पिछले 1 साल से ये एनेबल हुआ है। अब ये इसका बेनिफिट ये है कि आपको पूरा टाइप नहीं करना पड़ता है। आई शो यू। एक सेकेंड। द फाइल इज ए डबल टी लिखा, पीछे अटैच दिख रहा होगा आपको, इफ यू कैन सी दैट। सो अब ये अटैच पूरा स्पेलिंग मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वो आ गया। एंड दिस इज हाउ दे टेक द सेंटेंसेस। सो दीज आर द सजेशंस। हमें ये राइटिंग सजेशन को ऑन रखना है ताकि इट विल हेल्प अस टू राइट फास्टर। हम ईमेल फास्ट ड्राफ्ट कर सकेंगे इसकी वजह से। एंड हम यहाँ पे सजेशंस कर सकते हैं। कुछ सजेशंस ऑलरेडी है, कुछ सजेशंस हमने डाले हुए हैं। कभी कभी ये होता है कि कभी हमें स्पेसिफिक चाहिए, तो हम यहाँ पे अपना पूरा स्मार्ट कंपोज डाल सकते हैं सेंटेंस के। जैसे ही आप फर्स्ट 3 लेटर्स टाइप करो तो पूरा सेंटेंस आ जाए। तो इस तरह से हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको रेगुलरली सेम मेल ड्राफ्ट करना होता है, तो वो यहाँ पे आप ऑटो सजेस्ट में लिख सकते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वर्सेशन मोड ऑन रखना है ताकि वो आपका ट्रेलिंग मेल साथ में ही जाए, ऐसा ना हो कि ट्रेलिंग मेल स्किप हो जाए। स्मार्ट रिप्लाई ऑन, ये करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप रिप्लाई करोगे तो आई विल शो यू किस तरह से स्मार्ट रिप्लाई वर्क करता है। Alright, so somebody has written this mail. Now smart reply means these are the short replies. Accepted, noted, I confirm the same. आपने जो मेल लिखा है उसके हिसाब से they will prepare a small reply जो आप directly choose कर सकते हो. And I don't have to write anything to this mail. I just have to tab on this. I confirm the same. And automatically you can see in the mail body ये आ जाएगा यहाँ पे. And then you just have to send. I don't want to send, so I'm not sending it. But ये smart reply की बात है. So this is also should be on. ये सारी चीजें आपके Gmail में हैं. अगर on नहीं है तो आपको उसको settings में जाके on करना है. आपके notification आ गए, आपका desktop है, आपको notification चाहिए तो यहाँ पे on कर दीजिए. So generally मेरा Gmail on रहता है. So that's why अगर मैं इसको on कर दूँ तो always I will receive a notification on my desktop ki I have received a new mail. आप आपके इम्पोर्टेंस के हिसाब से स्टार को भी यूज कर सकते हो. कोई मेल है जिसको हमें स्टार देना है तो इट इज इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि ये मेल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे हम स्टार के बात कर सकते हैं. देर आर कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हम यूज कर सकते हैं, हमारे नॉर्मल जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो. आइकन जो आपको दिखेंगे, आप जब ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हो तो नीचे आइकॉन्स दिखते हैं, वो आइकॉन्स यहाँ से दिखेंगे या तो वो टेक्स्ट में दिखेगा. सो आई एम मोर कंफर्टेबल विद आइकन्स, तो मैंने आइकन्स रखा है. आई टोल्ड यू अबाउट द सिग्नेचर. दीज आर द थिंग्स. वन इज दिस वेकेशन मेल. जब आप ऑफिस में नहीं हो, जब आप मेल का रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप वेकेशन मेल ऑन कर सकते हो. कि अभी काफी लोगों ने किया था जब लॉकडाउन चल रहा था तब. I am not in the office from this date to this date, so we will not be in a position to respond to you immediately. If you have any emergency, contact us on so and so number. ऐसा करके एक auto message यहाँ पे draft कर दो, और जब भी किसी का mail आएगा तो ये mail उनको जाएगा automatically, and they will get to know that you will not be in a position to access the email. तो वो आपको call कर पाएंगे. I hope everything is smooth and fine. सब कुछ समझ में आ रहा है, सब हम normal जा रहे हैं. Just respond one or two people on the chat box. Do you want me to go slow or it is perfectly? Yes. All right. Perfect. Thank you. I'll just take up the questions little later. थोड़ा एक portion खत्म करने के बाद. So Meet, please remind me once again when Meet and there are one or two people who have written the questions. जैसे ही हम ये खत्म कर ले उसके बाद आप वापस पूछ लेना मुझे. सो एंड वोट इम्पोर्टेंटली, हमने जितने भी चेंजेस किए हैं उनको यहाँ पे सेव करना जरूरी है. अनलेस यू सेव इट,
वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. अनदर थिंग इन द सेटिंग्स, लेबल्स बना सकते हैं. जैसे यहाँ पे है कि इनबॉक्स तो सारे ही इनबॉक्स आ गए, स्टार मतलब वही मैसेज मुझे यहाँ पे दिखेंगे जिसको मैंने स्टार किया है. सो इफ यू कैन सी हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉर्नर स्टार लिखा हुआ है. सो सारे ही स्टार मैसेज वहां पे होंगे, इसको क्लिक करेंगे तो. उसके बाद स्नूज है, कुछ रिमाइंडर आते हैं जिसको हम स्नूज कर देते हैं. वो हम जब कैलेंडर की बात करेंगे तब रिमाइंडर्स की बात करेंगे. तो वहां से जितने भी मैसेज आते हैं वो हम स्नूज में डाल सकते हैं. कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप उसे शो कर सकते हैं. जैसे ही इम्पोर्टेंट मैंने शो किया, यहाँ पे एक आइकन आ गया, मैं हाइड करूंगी तो वहां से हाइड चला, वो हाइड हो जाएगा. सो इफ देर आर इम्पोर्टेंट मैसेज दैट यू हैव मार्क्ड थ्रू लेबल्स, आप वहां पे डाल सकते हैं. सेंड ऑलवेज दिखेगा आपको, स्केड्यूल, ये सारी चीजें हैं. कैटेगरी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, और कुछ कैटेगरीज ऐड करनी है तो क्रिएट न्यू लेबल से आप कर सकते हो. सो जैसे मेरे को मेरे निर्मल सर के कम्युनिकेशन मेरे साथ ज्यादा होते हैं तो मैंने निर्मल सर का एक लेबल बना के रखा है. ऑल माई निर्मल सर कम्युनिकेशन शुड बी इन दिस लेबल. सो आई डोंट हैव टू सर्च, मेरे 2-3-4 हज़ार जितने भी ईमेल हैं उसमें मुझे सर्च करने की जरूरत ना पड़नी चाहिए. सो दिस इज हाउ वी क्रिएट लेबल्स. ये करना जरूरी है, ये अच्छा रहेगा आपको. कुछ इनबॉक्स के सेटिंग्स है जो हमने ऑलरेडी शॉर्टकट से ही देख लिए थे, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. इसके बाद के जितने भी सेटिंग्स हैं, अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हो, अगर आपको पता है टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर आपको जीमेल के बारे में थोड़ा ज्यादा पता है, देन ओनली यू शुड एक्सेस, अदरवाइज यू शुड नॉट एक्सेस. इसकी जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेट होता है. यहाँ पे हम किसी और ईमेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं उसकी बात है. कुछ ईमेल्स हैं जिसे हम ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ब्लॉक कर सकते हैं. यू कैन राइट इट डाउन द ईमेल एड्रेस. आउटलुक में कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको पीओपी या आईएमपीए का एक फॉरवर्डिंग कोड चाहिए, तो आप यहाँ से उसको एनेबल करके हम हमारे पर्टिकुलर ईमेल को हमारे आउटलुक के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सो व्हेन यू नीड यू कैन चेक इट आउट हियर. एंड कॉन्फ़िगर का एक ऑप्शन है यहाँ पे, वो आप इफ यू कैन सी हियर. तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए. क्योंकि अभी इसमें कुछ एडवांस की जरूरत है ही नहीं तो मैंने कुछ लिया नहीं है, बट अगर कंपनीज वाले लेते हैं तो दे कैन सी हियर. चैट को ऑन करना है. चैट ऑन करना मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे, इफ यू कैन सी हियर. सो देयर इज अ पर्सन जिसके साथ मैं कंटिन्यूअस चैट कर सकती हूँ. हैंगआउट चैट्स जिसे बात करते हैं, तो आई राइट अ मैसेज एंड द पर्सन विल रिसीव अ मैसेज एंड नॉर्मली द चैट गोज ऑन एंड ऑन. प्रोफेशनल सर्कल में काफी लोग इस तरह से कंपनी के अंदर इंटरनल चैट के लिए इसको यूज करते हैं. इसकी जरूरत नहीं है एडवांस फीचर की अभी. दिस इज ऑल परफेक्ट. एक चीज है, अगर हमें थीम अच्छा लगता है, जैसे आपको पीछे स्टोन्स दिख रहे हैं, तो यू कैन सेट अ थीम. इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं गूगल के पास, वो अपने हिसाब से काफी सारे ऑप्शंस देते हैं हमें. जैसे ही हम किसी को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे व्यू दिखाएगा. आपको जो अच्छा लगे आप उसके हिसाब से थीम सेट कर सकते हो. इट विल जस्ट गिव यू ए गुड फील, और कुछ नहीं है, ये फील अच्छा देगा, दैट्स इट. तो कमिंग बैक टू हमारा नॉर्मल इनबॉक्स, जैसे इतने इंपॉर्टेंट मैसेज हैं जो मैंने स्टार करके रखे हैं, सो वो मुझे सीधे स्टार में मिल जाएंगे. मुझे सिर्फ और सिर्फ उसको कहीं पे सर्च नहीं करना है, सीधा स्टार पे जाके सिलेक्ट करना है. स्नूज, अभी तक मैंने कोई इवेंट को स्नूज नहीं किया है क्योंकि जितने इवेंट्स हो जाते हैं उसका रिस्पॉन्ड करना होता है, तो वो मैंने सीधा या तो डिसमिस कर दिया या तो अप्रूव कर दिया है. सो नो वरीज. तुम्हारे फरी प्रेजेंट करो पड़शे ज्योति बहन. हाँ हाँ करो छो. यस, सो देन कम्स द सेंट आइटम्स. हमारे जितने भी सेंट ईमेल्स होते हैं वो हमें यहीं पे दिखते हैं. कभी कभी ये होता है कि हमारे ड्राफ्ट मेल्स भी होते हैं, हमने पूरा मेल कंप्लीट नहीं किया है या तो हाफ वे में छोड़ दिया है, तो दैट इज देयर इन द
आपके ड्राफ्ट्स में है एंड ऑल योर लेबल्स लाइक निर्मल सर ट्रेनिंग. एक फीचर जो अभी ऐड हुआ है जीमेल में एंड दैट इज दिस मीट. अगर इफ यू सी यू कैन सी द मीट ऑप्शन हियर एंड यहाँ पे बाजू में न्यू लिखा हुआ है. सो आई कैन मैं मेरे जीमेल में हूँ और मुझे यहाँ से एक मीट ऑप जो हम अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं हमारा जो डिस्कशन चल रहा है दैट इज ऑन गूगल मीट. सो आई कैन स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम हियर. तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया इट विल नॉट गो एनीवेयर एल्स डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा तो मैं उसको कैंसिल कर रही हूँ बट आई कैन स्टार्ट डायरेक्ट ए गूगल मीट फ्रॉम हियर एंड इफ आई हैव अ लिंक आई कैन ज्वाइन फ्रॉम हियर. तो दैट इज गूगल मीट का एनेबल्ड फीचर इन योर ईमेल. व्हाई दिस इज देयर बिकॉज जब हम कैलेंडर की बात करेंगे उसमें ये फीचर आता है इसलिए उसको उन्होंने जीमेल में ऐड किया है. तो ये सबके जीमेल में एनेबल हुआ ही है सो डोंट वरी. यस दो चीजें और हैं. हमें हमारी सिक्योरिटी के बारे में बहुत चिंता होती है कि हमारा ईमेल सेफ है कि नहीं है और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एट द एंड जहां पे आपको ये परसेंटेज दिख रहे हैं ब्लू दिखेगा आपको 8.38 GB 27% ऑफ 30 GB यूज्ड. उसके नीचे एक मैनेज लिखा हुआ है. इफ क्लिक ऑन द मैनेज जैसे ही आप उस पर मैनेज करते हो तो आपको यहाँ सारी चीजें स्टोरेज के हिसाब से दिखेंगी कि आपका स्टोरेज क्या है कितना है कहाँ है. दिस इज वन एंड नंबर टू लास्ट अकाउंट उसके एग्जैक्ट राइट साइड पे 2 hours ago अगेन ब्लू कलर का दिखेगा उसके डिटेल्स. नाउ दिस इज अ सिक्योरिटी पॉइंट. कहाँ कहाँ से मेरा ईमेल आईडी एक्सेस हुआ है उसके सारे डिटेल्स यहाँ से मिल सकते हैं. आई कैन एक्चुअली चेक कि ये कहाँ हुआ है इंक्लूडिंग द सर्वर मुझे पता चलेगा. तो मोजिला में ये ओपन हुआ था टाइम दिखा रहा है वो सिस्टम के डिटेल्स भी दिखा रहा है सारी ही चीजें दिखा रहा है. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम फ्रीक्वेंटली इस चीज को चेक करते रहे ताकि हमें पता रहे कि हमारा ईमेल कहीं और से तो एक्सेस नहीं हो रहा है ना. सबसे लास्ट में जहां पे हमारे ईमेल्स खत्म होते हैं दिस इज नॉर्मल आपको ये सब दिखता होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम हम नीचे जाते ही नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं होती है. सो आपने 100 या 50 का व्यू है जैसे यहाँ पे मेरा अगर आप देखो तो 1 to 50 तो 50 मेल एक साथ देख सकते हैं. जैसे ही 50 खत्म होंगे उसके नीचे ये टैब दिखेगा यहाँ पे है एक कितना स्टोरेज है उसके बाजू में. एक सेकेंड वंस अगेन शेयर द स्क्रीन. ऑलराइट सो यहाँ पे आपके सारे ही मेल्स जहां पे खत्म होते हैं वहां पे नीचे एक ऑप्शन है लास्ट अकाउंट एक्टिविटीज 2 hours ago. यहां से डिटेल जो है वो लिंक है वो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो एक नया बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड देन यू कैन सी ऑल द एक्टिविटीज. मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आईपी एड्रेस जनरली सेम रहेगा. अभी क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं हम फोन से यूज कर रहे हैं तो आईपी बदलता रहता है बट जब हम ऑफिस में होते हैं या हमारा सिस्टम सेट होता है तो हमारा आईपी नहीं बदलता है. सो हमें ये चेक करते रहना है कहाँ से हुआ है. सो ऑल दिस शुड बी चेक्ड. So if you can see, everything is checked. और यहाँ पे कुछ भी मुझे disputed लगे तो मैं मेरे email का password change कर दूँ उसको reset कर दूँ verification और डाल दूँ. ये बहुत जरूरी है करना. So this is checking about our own email IDs. Till now, any questions? Basic of हम Gmail की बात कर रहे हैं तो कुछ questions हैं तो अभी आप पूछ लीजिए so that we can move for the I have 3 email ID. Okay, once again, I'll just go up first. I'm just checking the questions. So, all right.
व्हाट इज अंडू सेटिंग, डज इट वर्क? यस, परी शर्मा ने पूछा था क्वेश्चन, व्हाट इज अंडू सेटिंग्स? सो अंडू सेटिंग इज व्हेन आई राइट ए मेल और मैंने ये मेल सेंड किया, जैसे ही मैं ये सेट सेंड कर रही हूं तो यहां पे एक ऑप्शन आता है अंडू का. सो हियर आई कैन अंडू इट. व्हेन आई अंडू इट तो ये मेल अभी जाएगा नहीं. मुझे सडनली याद आ गया कि मैंने एक अटैचमेंट करना मेरे से रह गया है. सो व्हाट आई हैव डन इज जस्ट बिफोर इट डिलीवर्स टू द रिसीवर्स एंड मैंने अंडू कर दिया. ये ऑलरेडी एनेबल है आपके जीमेल में, ये फीचर ऑलरेडी एनेबल है और कुछ करने की जरूरत नहीं है. इट वर्क्स, इट वर्क्स लाइक दिस. जैसे मैंने अभी शो किया, आई विल सेंड इट. यहाँ पे सेंडिंग दिखा रहा है अंडू, ये अभी तक सर के अकाउंट में गया नहीं है. जैसे ही याद आ जाता है ये, इट टेक्स अबाउट 3-5 to 7 seconds. उसमें अगर मुझे याद आ गया तो मैंने उसको बचा लिया. अगर ये सेंड कर दिया या तो यहाँ से खत्म हो गया, फिर आई कैन सी द मैसेज ओनली, दैट्स इट. नाउ इट हैज गॉन टू हिज ईमेल आईडी, दैट्स इट. अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बट दिस इज व्हाट द अंडू फीचर इज एंड इट वर्क्स. मैम आई हैव 3 ईमेल आईडी, व्हेन आई वांट टू लॉग आउट फ्रॉम 1 ईमेल अकाउंट देन आई कांट डू दैट. Yes, you can't. That's the problem with, I would not say problem, but हम किसी एक, ये एक security feature के तौर पे उन्होंने रखा हुआ है कि जैसे अगर कोई person login करता है और already आप logged in हो कोई एक account में, तो आप single account को log out नहीं कर सकते, आपको सारे ही account से log out होना पड़ेगा. उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. आई एम गेटिंग लॉग आउट फ्रॉम ऑल 3 अकाउंट्स. यस, यू हैव नो ऑप्शन बट टू लॉग आउट. और व्हाट यू कैन डू इज इफ देयर इज वन अकाउंट जिसमें से आपको लॉग आउट नहीं करना है, उसको आप सेपरेट ब्राउजर में रखिए एंड द रेस्ट ऑफ द मेल्स यू कैन यूज इन द सेपरेट, लाइक क्रोम एंड एक्सप्लोरर हो गया. तो एक्सप्लोरर में आप परमानेंटली आपका एक अकाउंट रखिए जिसमें से आपको कभी लॉग आउट नहीं होना है, एंड द रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स यू कैन स्टार्ट इन गूगल क्रोम और मोजिला और एनी अदर. How to send an email which is locked? Only view available to the receiver but can't download such as PPT. No, there are no such emails unless it is we call it coded message. कुछ message होते हैं जिसका हमें code करना पड़ता है, coding बनाना पड़ता है और वो code के हिसाब से हम mail send करते हैं. वहाँ पे ये facility available है, but normal email में ये facility available नहीं है. I think I have repeat the signature. Manthanji, I'll write down my number. You can just take that once again with me personally. Account storage 100%. How to clear? Delete. It is very important ki hum regular base pe hamare Gmail ko verify karte rahe. Jaise ye ek mail, failure delivery ka mail hai, koi farak nahi padta hai ki ye mail yahan pe rahe, mujhe yahan se delete karna hai. मैंने डिलीट कर लिया है ऐसा मैं मानती हूँ, बट ये मेरा डिलीट नहीं हुआ है. इट्स स्टिल देयर इन द ट्रैश. जब तक वो ट्रैश में है तब तक मेरा अकाउंट उसे क्लियर नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाई व्हेन इट कम्स टू ट्रैश, एम्प्टी ट्रैश, जैसे ही आप एम्प्टी करोगे आपका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम सिर्फ इनबॉक्स से डिलीट ना करें, इनबॉक्स के साथ साथ हम हर वो जगह से डिलीट करें जहां जहां वो स्टोर होता है, जैसे कि ट्रैश. So this is how you can clear it out. When does email go in spam? When the subject line is with the special features like dash aa gaya yahan pe, because it is from Google it doesn't go into a spam. But agar aap dekhoge to kahin na kahin jiska nature, isme se kuch bhi spam nahi hai aur mujhe क्योंकि मेरे पास पेड वर्जन ऑफ गूगल है तो स्पैम की जरूरत है ही नहीं. कुछ कुछ ईमेल्स आते हैं जो स्पेशल कैरेक्टर के साथ आते हैं, या तो मार्केटिंग ईमेल्स होते हैं वो स्पैम में जाते हैं, जो ज्यादातर बहुत सारे लोगों को भेजे गए हैं उनको जाते हैं. सो आई कीप डिलीटिंग दीज ईमेल्स
I'll once again go to trash and see spam के message generally trash में नहीं जाते हैं. एक humble request है कि आप screen share मत करिए, क्योंकि मुझे focus उस चीज पे भी रखना पड़ता है कि किसी ने screen share तो नहीं कर दी ना. So please ensure that आप screen share ना करें. So spam इसी वजह से आते हैं कि जब आप repeatedly वो mail करते हो with the same subject line, या तो आपका ईमेल आईडी है, जैसे इन्फो हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, वो जनरल ईमेल आईडी है, तो जनरल ईमेल आईडी के की वजह से भी ये चीज हो सकती है. आई कांट फाइंड गूगल मीट इन जीमेल, इट्स देयर, आई विल चेक इट आउट कि क्या ये नॉर्मल में है कि नहीं. हो रहा है, वी विल चेक इट आउट दैट. Hi Jyoti, still etiquette, good drive, Google Drive, what about them? Will it be covered in next 45 minutes? Sir, Google is an ocean, I understand your query, but जो करेंगे वो अच्छे से समझ में आएगा, then only we will move to the next. Or what we will do is, we will announce immediately a next session so that we can complete all this. Hello, Jyoti ma'am. Yes. Sorry to interrupt you, ma'am, but I have just still that query unsolved, that how to send the email which is logged. Actually, I have got a mail from my colleague, and in that mail there was a Google slide, that is a PPT, and it was logged. Whatever animation or something, whatever I want to do, I can do only on the Google slide. I cannot download it in the form of PPT. And he has sent actually me two PPTs. One was editable, but one was logged. And he told me, sir, this is... I will take it when I talk about the drive. I'm just moving to that only now. Okay, fine. Sorry. Yeah, it will come in the drive. Yes. Okay, fine. No problem. This was with respect to Hamara Gmail. Now, from Gmail, we go to calendar. Because this is very important. Kafi log calendar use nahi karte hain. Hame calendar use karna hai. Anything that you want to search, you can write down calendar.google.com and you see a calendar open. So this is a calendar. And if you see, jitne bhi entries mujhe karne hai, main yahan pe karun aur mujhe mere sessions yahan pe dikhenge. Now, the beauty of this calendar is it is synced. It is synced with your email ID. And when we have a mobile phone, hamare mobile phone mein uske reminders aana shuru ho jate hain. You can have multiple entries in your calendar. Ye sare hi entries aap apne hisab se set kar sakte ho. So, for example, we have a session on 22nd, 23rd and 24th. So, I want to add an entry. So, aapko bahut simple karna hai. Aapko calendar mein jana hai. कैलेंडर में जाके उसके ऊपर एक क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट आर्ट राइटिंग सब्जेक्ट, किस चीज का ट्रेनिंग है, या तो आपको क्या है जो रिमाइंड करवाना है. तो आई हैव अ सेशन, वो मैंने सेट कर दिया, अब मुझे डिटेल्स डालने हैं. सो जैसे ही मोर ऑप्शन करेंगे, ये पूरा ओपन हो जाएगा. जैसे ही ये ओपन हुआ, आई कैन सी एवरीथिंग हियर. अब मुझे टाइम लग गया, मुझे 3 दिन का प्रोग्राम है, 22, 23, 24. सो फॉर 3 डेज इट इज नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड, सो डोंट नीड टू राइट रिपीट. बट मुझे टाइम लिखना है, बिकॉज द प्रोग्राम इज 10. सो मुझे यहाँ पे, इफ यू कैन सी इवेंट डिटेल्स, उसके बाजू में फाइंड टाइम. सो इट इज फ्रॉम 10 o'clock, यहाँ पे टाइम आ गया, फ्रॉम 10 to 1 आई हैव अ सेशन. तो मैंने यहाँ पे 10 to 1 कर दिया. अगर हमारे कोई मीटिंग्स है, अगर हमें कहीं पे जाना है, अगर कहीं पे प्रेजेंटेशन है, या तो कोई स्पेसिफिक चीज में हमें रिजल्ट सबमिट करना है, तो ये सारे ही रिमाइंडर्स हम यहाँ सेट कर सकते हैं. सो मैंने टाइम सेट कर दिया. नाउ इट इज ऑन द जूम. सो कहीं पे अगर गूगल मीट है, तो मैंने यहाँ पे गूगल मीट कर दिया होता, तो कोई भी एक लिंक जो मेरा लास्ट है वो आपको दिखेगा. हम हमारी लिंक को जनरेट करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं. ये कहाँ होने वाला है, क्योंकि अभी तो सब ऑनलाइन चल रहा है, बट अगर कहीं पे कोई मीटिंग पर्सनल है, तो यहाँ पे हम उसका लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं. जैसे ही हम कंपनी का नाम लिखेंगे, तो
वो पूरा एड्रेस आ जाएगा कंपनी का और वो मुझे यहाँ पे शो करेगा इन माय गूगल, नाउ इट इज सेव्ड एज अ गूगल मैप, सो मुझे रास्ते में से उसकी जगह ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से आई कैन ऑलवेज चूज। एंड इफ आई एम सेंडिंग दिस इन्विटेशन टू समबडी, काफी लोग को हम इन्विटेशन सेंड करते हैं मीटिंग के लिए, अपॉइंटमेंट देते हैं, या हमारे एग्जाम के लिए होता है कभी रिमाइंडर, तो हम यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन वी कैन राइट वट एवर वी वॉन्ट टू राइट द एंटायर मेल। एंड यहाँ पे गेस्ट में आप किसी का भी ईमेल डाल दीजिए जिनको आपको ये रिमाइंडर भेजना है, जितने लोग कनेक्टेड हैं उनके साथ। अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसको डिलीट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम्स। यहाँ पे मॉडिफाई इवेंट, अगर जैसे मैंने निर्मल सर का नाम लिख दिया, अब आई वॉन्ट हिम टू गिव मी एन ऑप्शन कि इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू मीट बिटवीन दीज डेट्स, नहीं या यस। अगर है तो कोई मॉडिफाई नहीं करेंगे, बट उनको रीस्केड्यूल करना है तो मैं मॉडिफाई का राइट उनको दे सकती हूँ, नहीं भी दे सकती। अब मुझे नहीं चाहिए कि वो इवेंट को मॉडिफाई करे, ये सिर्फ और सिर्फ उनके इंफॉर्मेशन के लिए है। सो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं फॉर दिस इवेंट, हम उनको मॉडिफाई का राइट नहीं देते, हम उन्हें इनवाइट करने की परमिशन नहीं देते, सिर्फ वो लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क है, इफ यू सी ज्योति मारू एम्पल ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट्स ऑन फेसबुक, ये सारे ऑप्शन है। सो दिस इज एम्पल का ट्रेनिंग और वो मैंने सेट कर दिया, सो मुझे डिमार्केशन मिल गया। नाउ यहां से उसको मैंने सेव किया तो ये मुझे पूछेगा कि वुड यू लाइक टू सेंड दिस इनविटेशन टू गूगल कैलेंडर गेस्ट। जैसे ही मैंने सेंड किया, सबको ईमेल मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि एक इवेंट क्रिएट हो गई है जो इवेंट मुझे रिमाइंडर देगी। अब कुछ चेंजेस हैं तो आप उसके ऊपर जाओगे, इवेंट को एडिट करोगे, और मुझे ये चीज रह गई थी कि मैंने नोटिफिकेशन नहीं डाला था। So, मुझे चाहिए एक दिन से एक नोटिफिकेशन चाहिए बिफोर वन डे, मुझे रिमाइंडर आना चाहिए 21st को कि कल से मेरा ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। सो मैंने उसको वंस अगेन सेव कर दिया, सेंड कर दिया। नाउ यू कैन सी 22, 23, 24 पर्पल लाइन सेम टाइटल एंड उसका रिमाइंडर मुझे एक दिन से पहले आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट इवेंट्स। ये इवेंट सिंक होते हैं, तो जैसे ही मैंने मेरा ईमेल मेरे फोन में भी है एंड इफ यू कैन सी इफ आई आपके मोबाइल फोन में अगर आप कैलेंडर ओपन करोगे तो आपको एग्जैक्टली सेम एंट्री दिखेगी, यू विल सी द सेम एंट्री एंड इट विल बी हैंडी। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है तो चलेगा। सो दिस इज द बेस्ट यूज। यहाँ पे और सारे फीचर्स हैं, आप हॉलीडेज देख सकते हो, इसमें कुछ ऐड करना है आपको यहाँ से आप कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हो, अपने अपना नया कैलेंडर बना सकते हो। फेसबुक को मैंने ऑलरेडी लिंक करके रखा है, हमारा कोई एग्जिस्टिंग कैलेंडर है हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इंपोर्ट करना है तो कहाँ से करना है, दिस इज हाउ यू कैन इंपोर्ट। यू कैन चूज बर्थडेज, यू कैन चूज योर एवरीथिंग एंड द बेस्ट थिंग इज यू कैन एक्सपोर्ट। जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट किया, ऑटोमेटिकली एक फाइल क्रिएट हो गई और मेरे जितने भी एंट्रीज थी वो सारी एक्सपोर्ट हो गई, तो मेरे पास डेटा बैकअप रखने का भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे हमेशा सामने रखें, चाहे हमारा एग्जाम का स्केड्यूल हो, चाहे हमारा रीडिंग स्केड्यूल हो, चाहे हमारे ऑफिस की बात हो, बट दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट गूगल कैलेंडर एंड दिस विल हेल्प अस। यहाँ से हम उसका सेटिंग्स अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, मंथली रख सकते हैं, डे वाइज रख सकते हैं, ये मेरे आज के दिन का हो गया। सो इफ यू गो ऑन 22nd तो यहाँ से मुझे दिखेगा मेरे दिन के जितने भी स्केड्यूल्स हैं मुझे यहाँ पे दिखेंगे। जनरली वी प्रेफर मंथली, जो हमें दिखने में भी सही लगे, या तो कुछ लोग होते हैं जो वीकली रखते हैं, सो वीकली इज लाइक दिस डे वाइज, सो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज। दिस वॉज गूगल कैलेंडर। एनी क्वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू गूगल कैलेंडर, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क, अगर मेरे से कहीं पे चैट में रह जाए तो। हेलो जैसे आपने बताया कि रेगुलर ईमेल में हम सिग्नेचर यूज कर सकते हैं, मतलब वो हर एक ईमेल के अंदर एज अ सिग्नेचर वो चला जाएगा, सो क्या गूगल कैलेंडर में हम वो चीज यूज कर सकते हैं कि जब भी अगर गूगल कैलेंडर की इवेंट है, आई एम सपोज टू इनवाइट समवन,
तो उसमें मैं ऐसा कोई सिग्नेचर ऐसा इंक्लूड कर सकता हूँ यस कि जब भी मैं गूगल कैलेंडर से किसी को इनवाइट करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा नाम या जो भी है वो चला जाए ऐसा कुछ? यू मीन टू से कि यहाँ से अगर मैंने इनवाइट भेजा किसी को तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर चला जाए, ऐसे बात कर रहे हो? हाँ यस यस एग्जैक्टली दैट वी हैव सेड नो, यहाँ पे आपका टेक्स्ट में जो जाएगा ना जितना भी भेजना है यहाँ पे टेक्स्ट में भेजना पड़ेगा आपको, यू हैव टू राइट इट डाउन हियर एवरी टाइम. यस एंड वन थिंग व्हिच इज गुड इज यू कैन राइट द एंटायर ईमेल इंक्लूडिंग द अटैचमेंट्स. So you can select the attachment which is there on the Google Drive. आपके Google Drive पे ये attachment होंगे तो आप वो उसे share कर सकते हो. So it works like email but वहाँ का signature यहाँ पे नहीं आता है. नहीं आता है और यहाँ के लिए भी कोई नया define ऐसा हम नहीं कर सकते, वो every time we have to write. Yes. So generally क्या होता है कि लोग email अलग से ही भेजते हैं which is a wrong practice. I'll show you किस तरह से ये email आता है. If I have one. या जितने जैसे ही सर्च हो जाएगा आई विल शो यू कि किस तरह से आता है. बट दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक्शंस हैं, आप सेम इवेंट क्रिएट कर सकते हो. ये कहना रह गया था कि एवरी टाइम यू डोंट हैव टू, मतलब इफ इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ ए मीटिंग सिर्फ डुप्लीकेट करना है एंड व्हेन यू डुप्लीकेट इट विल आस्क कि आपको सिर्फ यहाँ से डेट चेंज करनी है एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन्स एज इट इज. सो दिस विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम, ये एक हो सकता है. यस ओके. And one, can I ask one question about the previous portion? Sorry, but please. If you allow. Yeah. You said that. One second. I'll just show you that किस तरह से Google का email आता है. Yeah. So this is how your email will come. You have been invited for the following meeting. उसमें उन्होंने report, यहाँ पे ये reporting meeting था. Date, time वगैरह आ गया, कितने लोगों को किया है. And this is very important. क्योंकि उन्होंने email ID में कुछ नहीं लिखा था. ये option है. So when I say yes, वो person को पता चलेगा कि मैंने हाँ बोला है. And secondly, it will be saved in my Google account. Okay. So मुझे भी पता चलेगा कि मेरा मुझे reminder आ जाएगा. Okay. And we also came to know in calendar only कि किस किसने हाँ बोला है कि we are going to attend and not. Exactly. So this is a two-way process of confirmation. Many companies they send this kind of an invitation for appointments. And once we accept, then only they confirm the appointment. So this is very important कि हम इस तरह से email भेजे जब हम appointment लेते हैं. Yes, आप कुछ और बता रहे थे, पूछ रहे थे. All right. So this was related with Google कैलेंडर. जितना डिटेल में आप ये कैलेंडर बनाएंगे उतना आपका स्केड्यूल इजी हो जाएगा. वन ऑफ द डेज कि हम पेपर पे प्लान बनाते थे और वो पेपर लेके घूमना था. हम हमारे पास मोबाइल हमेशा साथ में रखते हैं. सो ये सेम चीज इफ यू वांट टू सी आई कैन शेयर माय गूगल का लैपटॉप सॉरी कंप्यूटर का स्क्रीन. जस्ट शेयरिंग दैट यू विल बी इन अ पोजीशन टू सी माय कंप्यूटर स्क्रीन सॉरी फोन का स्क्रीन. एंड इन फोन स्क्रीन इज माय फोन का स्क्रीन विजिबल? कैन यू सी द फोन? यस मैम. यस यस. सो इफ यू सी ऑन 30th देयर इज ए ट्रायल मीटिंग. सो जितने भी मैंने मीटिंग्स किए हैं बिकॉज यहाँ पे अकाउंट अलग है. मेरा वर्क प्रोफाइल और मेरा होम प्रोफाइल डिफरेंट है. सो जितने भी मेरे इवेंट्स हैं वो सारे इवेंट्स यहाँ पे सिंक हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ वी कैन सिंक विथ अवर मोबाइल फोन एंड इट इज ऑलवेज वेरी हैंडी.
हम उसे बहुत हैंडी रख सकते हैं. इट इज एडवाइजेबल कि उसको हमेशा सिंक रखें. ऑलराइट, वी मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज कीप. मैडम एक मिनट. हाँ बोलो बोलो. हाँ पहला गूगल ની અંદર જે નોટિફિકેશન આવતું હતું ઈમેલ ની સાથે SMS પણ હતું ને, તો નાઉ ઓનવર્ડ હવે SMS નથી આવતું, ઓન્લી મેલ મેલ નોટિફિકેશન. તમે કેલેન્ડર ની વાત કરો છો? હા કેલેન્ડર માં, કેલેન્ડર માં જે નોટિફિકેશન્સ છે ને. હા કેલેન્ડર માં બે રીતે હવે જે નોટિફિકેશન બે નોટિફિકેશન આવે છે. હવે એક આવે છે નોટિફિકેશન જે તમારા સ્ક્રીન પર પોપ અપ થાય. ઓકે, જો તમારું કમ્પ્યુટર ચાલુ છે, ડેસ્કટોપ ચાલુ છે, તો ડેસ્કટોપ પર પોપઅપ આવશે જીમેલ ચાલુ હોય તો, અથવા તમારા ફોનમાં સેમ આઈડી થી લોગિન હશે તો ફોનમાં ફોન પર પણ એનું પોપઅપ આવશે. હવે SMS નથી આવતો, હવે આ બે જ આવે છે. એક ઈમેલ આવે છે એટલે તમને, સોરી તમને એક ઈમેલ આવી શકે એક દિવસ પહેલા, અથવા તમને નોટિફિકેશન આવે. તમે મલ્ટીપલ નોટિફિકેશન પણ કરી શકો છો. લાઈક મને એક નોટિફિકેશન મને એક દિવસ પહેલા જોઈએ છે, બીજું મને ઈમેલ પર પણ જોઈએ છે. સો યુ કેન હેવ મલ્ટીપલ નોટિફિકેશન્સ. એન્ડ નોટ ઓન્લી ધીસ, આ નોટિફિકેશન્સ બધાને જ જશે, જેટલા પણ તમારા ગેસ્ટ છે એ લોકો બધાને જશે કે તમારી આવી રીતે ઇવેન્ટ. થેન્ક યુ. યસ રાઈટ, થેન્ક યુ. ઓકે, સો ઇફ યુ સી વન મોર એક્ઝામ્પલ વિચ આઈ હેવ સેન્ટ, એન્ડ ઇફ યુ સી યુ હેવ બીન ઇન્વાઇટેડ ફોર ધીસ, ઓલ ધ ડિટેલ, ધ પ્રોગ્રામ વોઝ ઓન ઝૂમ. So, Zoom ka link, all the participants, then the entire mail that I wanted to write. Aur maine pura mail wahan pe likha tha. And if you see, this is also a way, this is a better way of writing an email with the Google invitation. Jisme sare hi instruction yahan pe, if you can see in the blue, this is an email. So, this is how we should prepare hamara calendar ka event. And hume invite karna chahiye logo ko. Then we go to keep. काफी चीजें होती है जो हमें कैलेंडर में रखने की जरूरत नहीं है. दीज आर नोट्स. अगर आपको पता हो तो वन नोट है, या एवोग्रीन हम यूज कर रहे थे, या तो हमारे नॉर्मल फोन में भी एक नोट्स का पोर्शन आता था. बट जब ये गूगल हमें ये सारी चीजें देता है तो वाई नॉट यूज इट दिस वे. सो जस्ट ओपन दिस. यहाँ पे आप हर वो चीज ऐड कर सकते हो. आई शो यू जिसमें सबसे ज्यादा इवेंट्स मैंने लिखे हैं. तो आई हैव 3 अकाउंट्स, सो आई विल कीप राइटिंग डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट वे. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर कीप. नाउ कीप इज समथिंग व्हिच वर्क्स वंस अगेन एज अ होल. यहां से आपको रिमाइंडर भी कर सकते हैं. आप कुछ चीजें हैं जिसकी सिर्फ नोट्स बना सकते हैं, कुछ चीजें हैं जिसमें हम लिस्ट बना सकते हैं. सो लाइक फॉर एग्जांपल, माय ऑफिस का रिन्यूअल इज एवरी ईयर ऑन May 7th. तो मैंने ये कीप में रिमाइंडर रखा है, मैंने ये कैलेंडर में रिमाइंडर नहीं रखा है. दिस इज इन कीप, बिकॉज कीप गिव्स मी अ सेपरेट रिमाइंडर. दिस इज अ रिन्यूअल, एनुअल रिन्यूअल. तो दिस इज पॉसिबल. नंबर टू, मेरे यूजर आईडी पासवर्ड्स हैं यहाँ पे. देन व्हेनेवर आई वांट टू राइट माय पोएम्स आई हैव रिटन ऑन कीप, बिकॉज़ वेयर एल्स आई कैन राइट. तो मैंने वहां पे लिखे हैं कुछ चीजें. कुछ जैसे यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग में हमें कुछ चीजें लानी है या कुछ टास्क मुझे करने हैं, तो मैंने वो चीज लिख दी. जैसे ही वो टास्क हो जाता है, आई विल क्लिक ऑन दैट एंड इट विल बी क्रॉस्ड ऑफ. तो इस तरह से हम हमारे लिस्ट बना सकते हैं. एंड Once again, this is also real time. So, आपके फोन के साथ ये सिंक है. काफी लोग जब जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो हम नॉर्मली वो पेज लेके जाते थे. गॉन आर द डेज कि हम वो पेन और पेपर पे लिख के जाएं. लोग यहाँ पे ही सब चीजें लिख देते हैं. सो दिस इज अ बेस्ट वे टू यूज. किस तरह से लिखा जाता है? सो टेक अ नोट का ऑप्शन आता है. आप फोन यूज कर रहे हो तो फोन में भी सेम आएगा, नो प्रॉब्लम्स. इसके अंदर आपको टाइटल लिखना है कि व्हाट आर यू राइटिंग. सो मीटिंग, किसी के मीटिंग में आपके पास नोटपैड नहीं है, आपके पास डायरी या पेन नहीं है, स्टार्ट योर फोन, राइट इन अ कीप एंड यू स्टार्ट राइटिंग, टाइपिंग. एवरीथिंग दैट यू टाइप विल बी सेव्ड, इट इज ऑटोमेटिकली सेव्ड. तो आप यहाँ पे मीटिंग एंड इट इज सेव्ड. मुझे लिस्ट बनाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप वहां से लिस्ट लिख दीजिए.
एंड आप लेबल दे सकते हैं कि आपके घर का काम है यहाँ पे, जैसे अब क्योंकि मैंने कोई लेबल नहीं दिया है बिकॉज ऑल इज प्रोफेशनल हियर, बट मुझे देखना है कि पोएम्स फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट कर दिया, तो व्हेन आई राइट पोएम्स इट शुड बी सेव्ड. अब जैसे कि कोई पोएम में जाते हैं एंड ऐड लेबल्स, हो गया, नाउ यू सी इट इज हियर. सो जितने भी मेरे पोएम्स हैं, तो इस तरह से आप अपने पोएम्स लिख सकते हैं. यहाँ पे लिस्ट की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे ये आपका लिस्ट हो गया. अब जैसे जैसे आप काम करना शुरू करो उसको टिक करते जाइए, जैसे ही आप टिक करेंगे नीचे क्रॉस्ड ऑफ दिखेगा आपको. सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर लिस्ट. सो गूगल में ये चीज भी बहुत अच्छी है कि आप प्रैक्टिकली अपना सारा काम यहाँ कीप में लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग योर रिमाइंडर्स. सो मेजरली इट वर्क्स एज अ नोट. आप सारी ही चीजें, मैंने मीटिंग्स भी यहाँ पे लिखे हैं. सो जब मैंने इंटरव्यू लिया था किसी का, तो इंटरव्यू के सारे डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. मैंने मीटिंग्स करे हैं तो वो मीटिंग्स भी यहाँ पे. सो एवरीथिंग आई राइट हियर एंड इट हेल्प्स मी. नॉट सपोज टू बी शेयर्ड हियर, बट समथिंग दैट आई वॉन्ट टू शो यू हियर इज कि मेरे बैंक के डिटेल भी मैंने आर्काइव करके रखे हैं, ताकि ये नॉर्मली मेरे पास रहे. कोई मेरा कीप ओपन करे तो उसे नहीं दिखेगा ये, बट इट इज आर्काइव्ड, इट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, एंड दिस इज हाउ वी कैन सिक्योर आवर डेटा. सो दिस वाज अबाउट कीप. इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये यूज करना बहुत जरूरी है. एंड आप ट्रैश में जाओगे तो जितनी भी चीजें मैंने डिलीट करी है वो होगी. अब उसको कंप्लीटली डिलीट कर दीजिए, या तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट करेगा. कुछ सेटिंग्स हैं, आप यहाँ पे सेटिंग्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हो. ज्यादा कुछ सेटिंग्स की बात नहीं है. कभी रिमाइंडर होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, शेयरिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, क्योंकि मुझे शेयर की बात आई तो आई विल जस्ट शो यू दैट कि कुछ एक फीडबैक है यहाँ से. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे हमारे सर के साथ शेयर करनी है. सो आई विल क्रिएट ए कोलैबोरेटर. मैं यहाँ पे सर का नाम, उनका ईमेल आईडी डाल दूंगी. आ गया एंड सेव कर दिया. नाउ दिस पर्टिक्यूलर कीप का नोट विल बी इज शेयर्ड विथ हिम, सो ही कैन चेक इट आउट इन हिज ईमेल आईडी. उनके ईमेल के साथ मैंने इसको एसोसिएट कर दिया है. सो हमने जो नोट्स लिखे हैं, काफी टाइम ये होता है कि जब हम मार्केटिंग में होते हैं तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम लिख देते हैं बट हमें पास ऑन करना रह जाता है. तो इमीडिएटली इफ यू एड कोलैबोरेटर तो आप सीधा उस पर्सन को मैसेज दे सकते हो विदाउट इवन कॉलिंग दैट पर्सन. या तो एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि एक बाजू आप मीटिंग कर रहे हो और दूसरे बाजू आपने कोलैबोरेटर करके कीप ऑन किया है. द अदर पर्सन इज कीप वॉचिंग व्हाट यू आर राइटिंग एंड इफ देर इज समथिंग दैट ही और शी वॉन्ट्स टू कन्वे कैन कन्वे. तो दिस इज वंस अगेन ए वेरी गुड थिंग दैट वी शुड यूज. छोटा सा एप्लीकेशन है बट बहुत बढ़िया है. तो यूज इट वाइजली, बहुत अच्छे से यूज करिए, आप उसको यूज कर सकते हैं. And you can have list view one after another. This was grid view. अब view अपने हिसाब से check कर सकते हैं. ये हो गई दो चीजें basic. Now we go to drive, which is a major part. ये हमारे डेस्कटॉप के जैसे ही काम करता है. और गूगल हमें पेड सर्विसेज में नॉर्मल फ्री में 15 GB देता है स्टोरेज, पेड में बेसिक वर्जन में 30 GB. एंड आप उसमें ऊपर जाएंगे तो यू कैन बाय स्टोरेज एंड द स्टोरेज इज अवेलेबल टिल 1 TB. इफ यू कैन सी हियर 6,500 rupees पर ईयर एंड यू कैन बाय 1 TB तक का स्टोरेज. 1300 में 100 GB है. आप अपने हिसाब से, अपने स्टोरेज, अपने यूसेज के हिसाब से परचेस कर सकते हैं. बट अगर आप जी सूट ले रहे हो तो 30 GB मिल रहा है, आपके पास फ्री वर्जन है तो 15 GB है. सो दिस इज वंस अगेन ए स्टोरेज स्पेस दैट यू हैव. 15 GB सबके पास होगा, जिसके पास जीमेल है उसके पास. नाउ 15 GB
की बात करेंगे, आप 15 को मान के चलिए, यू कैन हैव बहुत सारी चीजें, आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, अपने फाइल्स अपलोड कर सकते हो, जिस तरह से एमएस ऑफिस में गूगल सॉरी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, उसी तरह यहाँ पे है डॉक्स शीट्स एंड स्लाइड्स, उसके अलावा फॉर्म्स ड्रॉइंग्स मैप्स साइट, ये सारी चीजें भी हैं। सो हमारे लिए चार चीजें बहुत जरूरी है, पांच चीजें, वन इज डॉक्स शीट्स स्लाइड्स एंड फाइल फोल्डर्स एंड फॉर्म्स। सो हम सबके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। नाउ इन माई ड्राइव यू कैन सी मल्टीपल फोल्डर्स। नाउ दिस इज अ टॉम एंड जेरी, ये एक ऐसा फोल्डर है जो किसी ने मेरे साथ शेयर किया है, एंड इन दिस आई हैव ऑल माई वीडियो क्लिप्स अबाउट 300 वीडियोज हैं मेरे, छोटे छोटे वीडियोज हैं, ऑल टॉम एंड जेरी। सो ये आपका एक स्टोरेज हो गया, आप इसमें वीडियो को ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे सारे ही वीडियोस शेयर स्टोर कर सकते हो जो कि छोटे हैं कंपैरेटिवली। उसके बाद मेरे पास एक और शीट है, सॉरी एक और फोल्डर है पीएनबी फोटो। नाउ देयर वाज अ प्रोग्राम जिसके मेरे फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस हैं, तो मैं यहाँ पे फोटोज भी शेयर कर सकती हूँ और यहाँ पे स्टोर कर सकती हूँ, मुझे कहीं पे भी रखने की जरूरत नहीं है मेरे लैपटॉप के अंदर, एंड आई कैन स्टोर इट हियर। So all my photographs are here. These are two things. ये हम directly हमारे फोन से अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, या तो हम हमारे लैपटॉप से भी अपलोड कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं, I'll show you that. I have PDF also. मेरे PDF भी यहाँ पे पड़े हैं, कुछ असाइनमेंट किया था जिसका PDF यहाँ पे पड़ा है, and if you can see, it will open in Google. सेम 188 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जो मेरे ऑलवेज गूगल ड्राइव पे पड़ा है, कहीं पे भी मुझे इसे भेजना है तो वो हम भेज सकते हैं। सो दिस इज हाउ द पीडीएफ फाइल इज स्टोर्ड। नाउ इट वी टॉक अबाउट द डॉक्स। अभी तक तीन चीजें बोली, वो सिर्फ आपको कहीं से लेके यहाँ पे अपलोड करनी है, अब जो बोल रही हूँ वो यहाँ पे प्रिपेयर होता है। नाउ दिस इज नॉर्मल वर्ड फॉर फॉर्म, आपका जो एमएस ऑफिस का वर्ड है ये वही है, यहाँ पे सेम मेन्यू है, सिर्फ ये एक बेनिफिट ये है कि ये रियल टाइम है और इसको इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रखना है। तो आप जैसे यहाँ पे कोई भी चीजें लिखना शुरू करेंगे, फॉर एग्जाम्पल रेज्यूम, आपने यहाँ पे रेज्यूम बनाया और आपने सारे ही डिटेल्स, आई जस्ट शो यू कोई भी, तो ये मेरे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंटेंट ऑफ माय, ऑलराइट, सो दिस इज अ कंटेंट, आप अपने हिसाब से कंटेंट अपना लिख सकते हैं, and this is my entire resume. So ये मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। Now what is most important is कहीं पे मुझे सेव नहीं करना है, it is already saved on my Google Drive. मैंने इसको बंद कर दिया, बंद करके अगर आप देखोगे तो you will see here in my Google Drive resume. एंड इट इज सो हैंडी कि जब भी कहीं पे जाऊं मैं, कोई बोले कि आपका सीवी मुझे भेज दीजिए, आई कैन फ्रॉम माई फोन आई कैन इमीडिएटली सेंड। नाउ व्हाइल सेंडिंग देयर वाज समबडी हु वाज आस्किंग कि किस तरह से हम इसे ब्लॉक कर सकते हैं, सो आपका फाइल ओपन हो गया, यू वॉन्ट द अदर पर्सन टू डाउनलोड इट, यू कैन अलाउ दैट, यू वॉन्ट कि अदर पर्सन शुड नॉट डाउनलोड इट बट ओनली व्यू इट, तो आप वो भी राइट्स दे सकते हो। आपने क्रिएट करे हुए हर डॉक्यूमेंट का शेयरिंग आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कैसे करना है। राइट नाउ इट इज प्राइवेट, सो इफ आई वॉन्ट टू अलाउ समबडी, नंबर वन द पर्सन शुड बी ट्रस्टवर्दी, एंड आपको पता होना चाहिए कि आप क्या उसके साथ शेयर कर रहे हो।
आप गूगल ड्राइव से कुछ भी शेयर करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर पोर्शन को ही शेयर करेगा. व्हेन आई एम शेयरिंग इट विद निर्मल सर, ये सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर रिज्यूम ही उनके साथ शेयर करता है, और कोई मेरा गूगल ड्राइव का चीज शेयर नहीं होगा. नंबर वन, दैट आई हैव टू चूज अ पर्सन. नंबर टू, ये जो ऑप्शन है पेन का, यहां से देखेगा क्या वो पर्सन एडिट कर सकता है. If I want that right access to be given to that person, तो मैं यहाँ से दे दूँ, so that they can download, they can store it on their Google Drive and edit it. So simultaneously edit हो सकता है, और सिर्फ comment कर सकते हैं, add नहीं कर सकते हैं, but सिर्फ comment कर सकते हैं. So वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वो अपने कमेंट वहां पे लिख पाएंगे, वो मेरे टेक्स्ट को कमेंट नहीं कर सकते. And the last option is, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं. These are the three options. उसमें से कोई भी एक option आप choose कर सकते हो. Edit, comment और view. Depending on your need, आप किस तरह से उनके साथ ये document share करना चाहते हो. And then, so right now let's say edit. If I give this right, he can edit it. And यहाँ से आप एक और चीज कर सकते हो, आपको mail नहीं भेजना है. Get shareable link. जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे एक लिंक आ जाएगी. वो लिंक आप सिर्फ शेयर करोगे तो भी वो पर्सन आपका डॉक्यूमेंट चूज कर सकता है. एंड यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप किस तरह से उसको यूज करना चाहते हो. सो ऑन पब्लिक वेब, जिसके पास भी ये लिंक है और इंटरनेट कनेक्शन है, वो पर्सन इसे एडिट कर सकता है. जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया, इसको सेंड कर दिया, निर्मल सर को मिल जाएगा, और ये लिंक जिसके पास भी है वो पर्सन इसे शेयर कर पाएगा. सो आई थिंक आई हैव रिजॉल्व्ड. नाउ दिस वर्क इन एवरीथिंग, पावर पॉइंट मतलब स्लाइड्स, डॉक्स एंड शीट, तीनों के ही शेयरिंग है. नॉट ओनली इन दिस थ्री बट इन द वीडियो एंड इन द फोटोग्राफ्स ऑल्सो. सो आई हैव लाइक फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस मैनेजमेंट का पीपीटी है मेरे पास. क्योंकि ये यहाँ पे नहीं बना है, सिर्फ अपलोड किया है, तो इट विल आस्क मी कि मैं क्या इसे डाउन. हाँ, सो दिस इज ओपन राइट नाउ, इट ओपन्स, सो आई कैन सी दिस. मेरे पास इसका राइट है, जिसने मेरे साथ शेयर किया है उसने मुझे राइट दिया है, तो आई कैन डू एवरीथिंग विद दिस पीपीटी. बट आई कैन सी ओनली अदरवाइज. यहाँ से मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि ये डाउनलोड. अगर ये मेरे साथ इस तरह से शेयर नहीं हुआ होता तो यहाँ से मैं डाउन, ये ऑप्शन ही मुझे नहीं आता. I would not be in a position to download. I just would be in a position to see it. So, ये हमें ensure करना है while giving rights to the person. Deep, I think I have cleared the query. Yes, ma'am. Quite clear. Yeah. Hello. All right. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. I was just now, confirming that. Yes, sure. So, same way में, जिस तरह से हमारा Excel काम करता है, उसी तरह से ये sheets work करता है. So, I'll just open one of the sheets that we have. Like for example, trainer's details. So, we have trainer's details. हमने ये एक data collect करा हुआ है, जहाँ पे हमारे पास सारे ही trainers के details हैं. Whatever trainers we have, हमने यहाँ पे उनका data कलेक्ट करके रखा है. एंड दिस इज सो हैंडी. यहाँ पे सारे ही एक्सेल के फीचर्स, 80% ऑफ द फीचर्स ऑफ एक्सेल आर सेम. एमएस एक्सेल के सारे ही फीचर्स सेम है. यू कैन चूज एनी फीचर्स एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स. सो दिस इज नॉर्मल. आई एम नॉट गेटिंग इनटू एक्सेल बिकॉज इट इज अ सेपरेट सेशन, बट हम उसी तरह से पूरी शीट यहाँ पे बना सकते हैं एंड यहाँ से आप उसे शेयर कर सकते हैं. ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड इट विद समबडी, और जिसके भी साथ मुझे इसको शेयर करना है, सो आई कैन शेयर इट एंड आई अलाउ द वे आई वांट टू गिव राइट्स, आई कैन गिव. एंड एक चीज ये है कि यहाँ पे अगर आप नोटिफाई कर दोगे तो उनको ये मेल मिलेगा एंड उनको ये ऑप्शन चला जाएगा. सो यू कैन सेंड इट दिस वे. सो आई हैव सेंड इट. सो नाउ द पर्सन कैन एक्सेस दिस ईमेल. देन कम्स द फॉर्म्स. काफी लोग सर्वे करते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनके इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको फीडबैक लेना होता है. कभी कभी ये होता है कि काफी चीजें हमें फॉर्म्स के थ्रू कलेक्ट करनी होती है. सो
like for example, my sister is working on some research and she has sent this on World Telecommunication Day. ये Google form उसने भेजा हुआ है. This ये open होगा. You will be in a position to see. So online counseling or offline counseling के बारे में एक Google form उसने बनाया है and she wants a survey on this. Now ये पूरा form हमने Google Drive पे बनाया. How do we do it? बहुत सिंपल है और ये इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में. इवन स्टूडेंट्स को सबसे पड़ती है, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब वो अपने सबमिशंस रेडी कर रहे होते हैं और जब उनको डेटा कलेक्ट करना होता है. काफी लोगों को ये सारी चीज पता होगी बट जैसे ही आप गूगल में जाओगे, न्यू में, मोर में फॉर्म्स हैं, आप फॉर्म्स पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा. या तो आपको करना है फॉर्म्स डॉट गूगल, ओपन करोगे तो वो ओपन हो जाएगा. तो इस तरह से फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे. अब यहां पे कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट्स लगे हुए हैं. यू कैन चूज द टेम्पलेट्स एज इट इज, लाइक जॉब एप्लीकेशन. तो आप यहां से रेडीमेड टेम्पलेट्स ले सकते हैं. बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो रेडीमेड हैं. आपको रेडीमेड नहीं चाहिए. जैसे मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये हमारा एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है रीबिल्डिंग बिजनेस, तो उसका मुझे कस्टमाइज्ड फॉर्म चाहिए. सो हाउ कैन वी क्रिएट दैट कस्टमाइज्ड फॉर्म? सो वी गो बैक. एंड यहाँ पे एक न्यू ले लिया, न्यू फॉर्म जो अनटाइटल्ड है. आप यहाँ पे लिखना चालू कर दीजिए फीडबैक ऑन, जैसे आज की ट्रेनिंग का फीडबैक चाहिए मुझे गूगल ट्रेनिंग. एंड उसका पूरा डिस्क्रिप्शन साइमल्टेनियसली आई शो जो ऑलरेडी बना हुआ है, या तो मेरा आने वाला प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल. साइमल्टेनियसली आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए. तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है कि ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, व्हाट्सएप बिजनेस का पेड प्रोग्राम है, उसकी डिटेल्स एंड पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे डाल दी. देन यू स्टार्ट एडिंग क्वेश्चंस. सो आपको सबसे पहले नाम चाहिए. सो यू राइट नेम. द मोमेंट यू राइट नेम, यहाँ पे आपको पूछेगा, इसका जनरली आंसर शॉर्ट आंसर जाता है एंड इट इज कंपल्सरी. आपको उसको कंपल्सरी करना है. अब एवरी टाइम व्हेन यू वांट टू राइट ए क्वेश्चन, इधर यू प्रेस दिस प्लस बटन और यू डुप्लीकेट. अगर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट नंबर. जैसे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिया, यहाँ पे शॉर्ट आंसर आ गया एंड नीचे एक आ गया कि उसमें एक वैलिडेशन आ गया. जब मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगती हूँ तो यहाँ पे नंबर होना चाहिए एंड इज अ नंबर. यहाँ पे ऑप्शंस हैं बट हमारा मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया प्लीज राइट मोबाइल नंबर और ये रिक्वायर्ड कर दिया. इस तरह से आपको जितने भी क्वेश्चंस चाहिए आप उस तरह से, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फुल नेम, लोकेशन यू बिलोंग टू, कॉन्टेक्ट नंबर प्रेफरेबली व्हाट्सएप. हम डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे इस तरह का एक डेट DDMMYY का फीचर ये ले लेगा और यहाँ बाजू में कैलेंडर दे देगा. व्हाट आर यू डूइंग, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग, आपको ये ट्रेनिंग के बारे में कब से कहाँ से पता चला. सो आई हैव क्रिएटेड एंड द बेस्ट थिंग इज आपने, आपको पहले पेमेंट करना है एंड पेमेंट करने के बाद फाइल अपलोड करनी है. जो फोटो स्क्रीनशॉट है उसको यहाँ पे अपलोड करना है. सो इट इज important and I can choose कौन से file, document, spreadsheet, PDF, video, इसमें से कुछ भी आप choose कर सकते हो. मुझे सिर्फ screenshot चाहिए तो मैंने PDF and image रखा है. काफी लोग CV के candidates के पास से CV मंगवाते हैं इस तरह से Google form fill up करके, तो वो यहाँ पे PDF या document भी add कर सकते हैं. कुछ लोग PowerPoint presentations मंगवाते हैं तो PPT कर सकते हैं. आपके audio video आप मंगा सकते हो. आप यहाँ पे अप टू 1 GB तक का स्टोरेज एक फाइल तक ले सकते हो. यू कैन आस्क फॉर 1 GB. सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर आपका गूगल फॉर्म. एक चीज याद रखनी है, ये कस्टमाइजेशन पॉसिबल है. जैसे हम यहाँ पे गए, यहाँ पे आप कस्टमाइज थीम करेंगे. कस्टमाइज थीम के अंदर हेडर है. हेडर का है 400x1600 इज द साइज ऑफ द बैनर. आप अपना कस्टमाइज
बना हुआ है मेरे पास एक, तो वो हेडर का डिजाइन ले लीजिए, मैंने उसको अपडेट कर दिया एंड देन डन। जैसे ही मैंने डन किया वो अपडेट करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इट विल शो हियर। ये थोड़ा कस्टमाइज लगेगा, दिखने में अच्छा लगेगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे हम जब ओपन कर रहे हैं तो उसका ये काउंसलिंग वाला जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे शी हैज कस्टमाइज दिस वे। तो उस तरह से आप अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यू कैन चेंज द कलर, यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर जैसा है, बेज कलर है, मुझे पिंक चाहिए, सो आई हैव चेंज द पिंक कलर। मैं अपने हिसाब से ये कस्टमाइजेशन करूं। मुझे फॉन्ट्स के चार ऑप्शन मिलते हैं, मुझे फॉर्मल फॉन्ट्स चाहिए, तो यहाँ पे जो ये टाइटल्स हैं उसके फॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे। सो उसके हिसाब से आप अपने ये चेंज कर सकते हैं। बीच बीच में आपको यहाँ से प्रीव्यू करके देख लेना है। सो व्हेन यू प्रीव्यू यू कैन सी योर फॉर्म कैसा दिखेगा। तो इस तरह से आपका फॉर्म, अभी मैंने क्योंकि दो ही क्वेश्चन डाले हैं तो ऐसा दिखेगा। इफ यू गो फॉर दिस, इसका प्रीव्यू करके देखते हैं, तो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन आ गए एंड देन ईमेल आईडी, ज्योति, लोकेशन बरोड़ा। अब अगर मैं गलती से यहाँ पे कुछ टाइप करती हूँ जो कि नंबर नहीं है, मस्ट भी ये नंबर का ऑटोमेटिक ये यहाँ पे एरर देगा। जब तक मैं नंबर ना लिखूं तब तक ये ऑप्शन नहीं आएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। Then I am a professional or a trainer and a freelancer. जितना भी ऑप्शन मैंने चूज करना था कर दिया। मुझे कैसे पता चला? व्हाट्सएप एंड लिंक फेसबुक दोनों से पता चला। यहाँ से मुझे एक पेमेंट का रिसीट कहीं से भी अटैच करना है। राइट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स, तो मैं इसको अटैच कर देती हूँ। सेलेक्ट, वो अटैच हो गया एंड देन आई गो टू द नेक्स्ट। इनवैलिड डेट, ये डेट आना बाकी है, 19 कर दिया। नेक्स्ट, एंड देन आई डोंट हैव जीएसटी डिटेल, मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं इसको सबमिट करती हूं तो पीछे एक इस तरह से एक ईमेल आता है, एक मैसेज आता है कि थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सो एंड सो इवेंट। ये बहुत जरूरी है। जैसे ही हम यहाँ पे पूरा फॉर्म बनाए उसके रिस्पांस में जाना है, रिस्पांस में जाके यहाँ से गूगल शीट क्रिएट करनी है, क्रिएट ए स्प्रेडशीट जहाँ पे आपके रिस्पांस कैप्चर होंगे। तो यहाँ पे नया शीट क्रिएट करना है एंड आपके रिस्पॉन्सेस कैप्चर होंगे। यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है आपको, यहाँ पे अपने हिसाब से सेटिंग्स चेंज करने हैं तो कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन एंड कन्फर्मेशन मैसेज, जो मैसेज ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मैसेज आपको यहाँ पे लिखना है ताकि जब आप फॉर्म कोई कंप्लीट करे तो वहां पे उसको लास्ट में ये मैसेज दिखे, विच विल क्रिएट ए जेन्युइनिटी, वो आपकी जेन्युइनिटी दिखाएगा। दिस इज हाउ यू क्रिएट फॉर्म्स। जब आप फॉर्म क्रिएट करते हो तो आप अगर जाओगे तो हमने जितनी इंफॉर्मेशन लिखी वो इस तरह से यहाँ पे आपको टाइम देगा 17:05 को। अभी हमने ये फीड किया है डेटा, मेरा नाम आ गया, ईमेल आईडी, सारे ही डिटेल्स आ गए, ये एक्सेल शीट में रेडी हो गया, इंक्लूडिंग माय फोटो। सो यहाँ पे आप फोटो भी चेक कर सकते हो कि उन्होंने जो भेजा है वो फोटो सही है कि नहीं है। आई एम नॉट जस्ट ओपनिंग दिस, बट दिस इज हाउ योर एंटायर गूगल शीट विल बी रेडी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये चेक करते रहिए। सिंस आई डोंट वांट इट, आई एम जस्ट डिलीटिंग इट। आप पीछे से भी इसमें कुछ एडिशन या डिलीशन करना है तो कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू ऐड समथिंग तो आप यहाँ पे जाइए, आपको क्या ऐड करना है, लाइक फॉर एग्जांपल टेलीमार्केटिंग नहीं लगना है मुझे, बट पर्सनल कॉल मुझे ऐड करना है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। एंड नाउ व्हेनेवर इट इज ए फॉर्म,
somebody will see this form, वो उनको चेंज ही देखेगा. यहाँ पे जैसे ही आप responses आने लगेंगे, यहाँ पे टॉप में responses में आपको numbers दिखेंगे and you will see all the responses here. आपको यहाँ पे डिटेल में भी सारे responses दिखेंगे. The best thing is you will see the analysis कि कितने students हैं, कितने professional हैं, कितने freelancers हैं. यहाँ पे मैंने मल्टीपल चॉइस रखा था, आप चाहो तो ये मल्टीपल चॉइस को सिर्फ मल्टीपल चूज करने का सिंगल ऑप्शन रख सकते हो. तो दिस इज हाउ यू विल गेट ऑल द डिटेल्स दैट यू हैव क्रिएटेड. ये था हमारा गूगल फॉर्म. एनी क्वेरीज टिल नाउ? या आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन थिंग. यस हेलो. या हम लोग हम लोग जब गूगल फॉर्म बना लेते हैं तो सामने वाले इंडिविजुअल या ग्रुप को कैसे सेंड करते हैं? वही लिंक कॉपी पेस्ट करके सेंड करेंगे या कैसे करेंगे? आई विल शो यू दैट. सो ये हमारा गूगल रेडी हो गया. यहाँ पे एक सेंड का ऑप्शन है ऑन द टॉप. फ्रॉम हियर आपको क्लिक करना है. एक होता है हम डायरेक्टली यहाँ पे मेल टाइप कर दें और सीधा उनको सेंड करें यहाँ से. और एक होता है कि हमें कभी कभी ये चाहिए कि हम व्हाट्सएप थ्रू या तो हमारे फेसबुक या सोशल मीडिया थ्रू उसको यूज करें, ये लिंक को शेयर करें. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप शॉर्ट कर दीजिए उसके यूआरएल को ताकि उसमें मिस्टेक ना हो. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मली ये बड़ा लिंक आएगा. यहाँ पे आप उसको शॉर्ट कर दीजिए एंड देन इसको कॉपी कर लीजिए. एंड देन आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो कॉपी किया हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट आप फेसबुक या ट्विटर पे कर सकते हैं. दिस इज डायरेक्ट लिंक, सो यू कैन डायरेक्टली पोस्ट इट टू फेसबुक, वो सीधा आपको फेसबुक पे ले जाएगा. या तो आपने जो लिंक जनरेट किया है, आप जाइए किसी के जिसको भी व्हाट्सएप करना है उसके अकाउंट में जाइए और उसके बाजू में आप वो फॉर्म को क्लिक, फॉर्म का लिंक वहां पे क्लिक कर दीजिए एंड एंटर कर दीजिए. अलॉन्ग विद दैट यू शुड राइट अ डिस्क्रिप्शन लाइक शी हैज रिटन. उस तरह से आप लिंक का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो ये इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ पे दिखेगा एंड इट विल बी सेंट लाइक दिस. एक और चीज है, कभी कभी ये होता है कि हमें कोड करना होता है HTML, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट क्योंकि ये फीचर की हमें जरूरत इतनी नहीं होती है तो आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट. दिस इज हाउ वी क्रिएट हमारा गूगल फॉर्म. होप आई हैव रिजॉल्व द क्वेरी. Yeah, Jyoti, one more thing. If someone has filled in the Google form, is there any system ki we as a host, jab, for example, maine Google form banaya hai mere coaching ke liye, for example, to kisne Google form bhara, to is it possible ki usko automatically Google ke dwara hi Zoom ke link ya Microsoft team ke jo main padha raha hu uske link mil jaye, or every time I will have to send manually? मतलब ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है कि ये यहाँ पे नहीं होता है, गूगल फॉर्म में नहीं होता है. गूगल फॉर्म में एक ही बार मेल जाता है. नहीं, उसने मतलब गूगल फॉर्म भर के सबमिट कर दिया, राइट, कि भाई हाँ आई एम प्रोफेशनल एंड व्हाटएवर आई वांट टू लर्न दीज, ओके, सो आई नीड टू रिप्लाई बैक मैन्युअली, या फिर गूगल फॉर्म के अंदर ऐसा सिस्टम है कि भाई उसने जैसे जैसे फॉर्म भरा तो उसके अकॉर्डिंग मेरे तीन चार अलग अलग रिप्लाई रेडी है कि भाई स्टूडेंट है तो ऐसा जाएगा, प्रोफेशनल है तो ऐसा जाएगा, तो मैं सामने उसको लिंक ऑटोमेटिकली चली जाए कि भाई इस टाइम पे जूम की लिंक का क्लास है तो यू कैन अटेंड. ये चीज है ना, नहीं इतना स्पेसिफिक नहीं कर सकते. कैन यू सी द स्क्रीन? यस यस, एक सेकंड. ऑलराइट, सो यहाँ पे एक चीज है जो आप कर सकते हो. अगर आपका प्री डिफाइन है कि अगर स्टूडेंट है तो ये होना चाहिए या तो प्रोफेशनल है तो ये जाना चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू इज हम जब यहाँ पे रिस्पॉन्सेस सेट करते हैं कंफर्मेशन जो मैसेज है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं सेटिंग्स में, ताकि प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आप लिख सकते हो
कि अगर आप स्टूडेंट हो तो प्रेस दिस लिंक, अगर आप प्रोफेशनल हो तो प्रेस दिस लिंक, और जब वो गूगल फॉर्म फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो उनको ये ईमेल भी जाएगा और उनको ये स्क्रीन पे भी दिखेगा व्हेन दे कंप्लीट द गूगल फॉर्म. सो इन द गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन ओनली, ये ऑटोमेटिकली चला ही जाएगा उनके पास, चला ही जाएगा ऑन द गूगल फॉर्म. ओके, यस, दैट इज व्हाट आई एम. सो दिस इज अ कंफर्मेशन मैसेज दैट वी हैव रिसीव्ड योर फॉर्म एंड दिस इज द लिंक. सो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है कि वी हैव रिसीव्ड, यहाँ पे कुछ और देना नहीं था मुझे, तब उनको गूगल लिंक नहीं देनी थी, बट अगर मुझे देनी होती तो मैं यहीं पे ले देती, वो सेम चीज लिख देती. तो यहाँ पे लिखा है यू विल रिसीव ए लिंक ऑन सो एंड सो डेट. ओके, सो दिस इज इन इन द प्रेजेंटेशन कंफर्मेशन मैसेज, वहां पे आप देख सकते हो, वहीं पर हो जाएगा. ओके, एंड सेकंड वो गूगल ड्राइव के रिगार्डिंग था कि लाइक फॉर एग्जांपल समवन हैज शेयर्ड विद मी कि उसका एक फ्रेज ऐसा था जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, मतलब उसका फ्रेज एग्जैक्टली ऐसा है कि समवन, मतलब किसी का नाम है, हैज इनवाइटेड यू टू कंट्रीब्यूट टू द फॉलोइंग शेयर्ड फोल्डर. तो मतलब उस बंदे ने क्या किया होगा, मतलब सिर्फ मेरे साथ लिंक शेयर की है या मतलब फोल्डर शेयर किया है. ओके, फॉर एग्जांपल ये गूगल फॉर्म है, अब किसी ने आपके साथ इसको आपको एज अ कोलैबोरेटर ऐड किया है. ओके, सो व्हेन समबडी एड्स यू एज एन कोलैबोरेटर, they want you to contribute to it, and that's why यहाँ पे आप collaborator जब डालोगे किसी को भी तो उसको ये message जाएगा. So all right, does it happen also with that another like drive के जो folders होते हैं, जैसे मेरे पास ये actually आया था message, but there was a PPT folder, तो उसमें भी ये हो सकता है. हाँ, हो सकता है, ये Google Drive के किसी में भी हो सकता है. You can add a person as a collaborator where you can work on the file. जब जब किसी फाइल के ऊपर आप काम कर सकते हो, जैसे गूगल शीट हो गई या तो वर्ड फॉर्म हो गया, ये तो फिर भी फॉर्म है. आई विल जस्ट शो यू हियर आल्सो, दिस इज अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट. सो डॉक्यूमेंट के शेयर में भी आप एज अ कोलैबोरेटर किसी को ऐड कर सकते हो. सो गूगल शीट वेन वी क्रिएट अ गूगल शीट वहां पे भी ये होता है. सो मेजरली इट इज देयर इन द गूगल शीट इफ आई एम श्योर. मैडम मेरे को जस्ट एक पूछना था क्वेरी, कि जब हम लोगों को ऐसा मैसेज आता है कि टू कोलैबोरेट या तो फिर टू शेयर, और जब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो सिर्फ वो पर्टिकुलर फाइल में ही हमारा कोलैबोरेशन या फिर शेयरिंग पॉसिबल होता है, हमारे बाकी सब फोल्डर्स उसके साथ शेयर या कोलैबोरेट नहीं होते हैं ना, मतलब कोई नहीं होते, कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है. नो, ओके ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फोल्डर को उनके साथ शेयर किया या कोलैबोरेट किया उनको फोल्डर के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ इतने फोल्डर को ही एक्सेस कर पाएंगे. अगर मैंने ये फॉर्म किया है तो सिर्फ वो फाइल के लिए ही कोलैबोरेट कर पाएंगे. सो योर ड्राइव इज नॉट शेयर्ड विद देम, बट पूरा ड्राइव शेयर करने का भी ऑप्शन है. लाइक मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये शेयर कर दिया तो वो पूरा ड्राइव भी आप शेयर कर सकते हो, बट generally people don't do that and there is no, it is not advisable also. Yes, I'll just go through it, go through the questions. Does Google, wo question pooch liya hai, I think Deep ji ne apne pooch liya hai. Calendar mein, कैलेंडर में रिमाइंड BHI आएगा, व्हाट इज BHI? ऋचा वर्मा हैज आस्क्ड दिस. विल इट बी यूज्ड ओनली विद द जीमेल एंड अदर आईडीज आल्सो? सुमिता शेट्टी, कैन यू प्लीज रिपीट इफ यू आर हियर. हाँ मैडम, आई वॉज आस्किंग लाइक दिस गूगल कैलेंडर वी कैन यूज ओनली इफ वी आर एक्सेसिंग अ जीमेल अकाउंट, और एल्स वी कैन यूज इट ऑन अदर मेल आईडीज लाइक याहू एंड रेडिफ आल्सो. इफ यू आर यूजिंग गूगल कैलेंडर देन ओनली विद जीमेल,
But if you are using a calendar of Outlook, then you can configure it with your email, any email ID. But okay, if you are using okay. Google Calendar, then only Gmail. Okay, thank you. Yeah. How to set appointment and reminders? I have explained that. If you really still want to understand, just let me know. Keep note able to arrange as per time of reminder in the mobile. Ashish ji yahan pe hai, Ashish Shah. I didn't understand this question. Is location based reminder feature in Google Calendar? Again, Akash ji, if you are here, please explain the question so that we can respond to you. Will it be safe to keep all our passwords in Google Keep? Depends how crucial they are. I generally keep it because I secured my phone with two-way verification, all types of verifications and the securities. I have even antivirus on my phone, so I keep it. But if you don't have such facilities and such a safety, then don't keep it. Can you tell us on G Suite? Ranjit ji, G Suite jitna aapne dekha wo to hai, plus you will get little more facilities like business is also there in G Suite. One thing which is there is there are paid versions available. So like Google Ads, you will have your own email ID with your domain name. So contact@jyotimaru.com is because of G Suite. So G Suite is more customized, but उसका खुद का अपना एक session है जिसके ऊपर भी शायद सर से बात करेंगे and we will have one more session. How to add multiple choice? Okay. All right. So in multiple choice, what you can do is like this is the question where I want to add multiple choice. Yahan pe mere paas options hain. Short answer, paragraph, multiple choice, checkbox, drop down, file upload, linear scale. Jab hum feedback lete hain to linear scale ka bhi upyog karna padta hai. So first multiple choice and you can write down yes, you want no, and you want maybe. So this is a multiple choice question ho gaya aapka. और यू वॉन्ट ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन में ये आ गया. अब जब ड्रॉप डाउन किया है तो वेन यू व्यू यू विल सी ए ड्रॉप डाउन मेन्यू. आपको वो जगह पे जाएंगे तो आप यहाँ पे येस नो एंड ऑप्शन 3 का ड्रॉप डाउन देख पाएंगे. तो यहाँ पे ही ऑप्शन है आपको क्या चूज करना है उसके लिए. राइट नाउ आई डोंट वांट टू चेंज इट, सो आई एम जस्ट गोइंग बैक. दिस इज हाउ वी कैन डू दैट. In Google Drive, that does, what does that mean? वो तो आ गया. What is the option for controlling response time? Means how to set till what time response can be acceptable? आप जैसे ही आपको close करना है Google form का response collect करना, आप उसे de-link कर दीजिए. Normal है वो, उसको आपको आप उससे हटा दीजिए वहां से. Close the form, simple. Delete the form, response sheet will remain as it is. And give a tagline, simple. Collaborating is, in the Google form you are allowing, very specially Google form mein collaboration ka sabse important cheez hota hai, where they can make changes in the basic form. When you are saying sharing means they cannot change in terms of main creation. But in Google form, collaboration means they can change in the main creation. Sharing is you can allow person to download or add or view. How to import FB birthday in Google Calendar? If you have a same email ID, it will automatically fetch. आपका जीमेल का ईमेल आईडी सेम है तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर ही लेगा.
आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे जीमेल के साथ उसका सिंक दिखाना चाहिए। एफबी के फीचर्स में से उसको एनेबल करना पड़ेगा। फेसबुक के फीचर में उसका कैलेंडर के साथ सिंक है। इन गूगल ड्राइव हाउ लॉन्गर कैन वी सेव वीडियोस? जितने टाइम तक आप डिलीट नहीं करते हो आपका गूगल ड्राइव भर नहीं जाता है तब तक। And उसके बाद भी वो रहता है वहां पे, यू नीड मोर स्पेस देन यू हैव टू डिलीट इट, इट रिमेन्स एज इट इज। कैन वी शेयर द ड्राइव फोल्डर लिंक विच हैज मेनी कंटेंट्स? यस, आई जस्ट शो यू किस तरह से होता है। ये फोल्डर है, इस फोल्डर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करके शेयर कर देंगे, तो ये फोल्डर शेयर होगा यहाँ से, जेसी के भी साथ शेयर करना है। और यू कैन क्रिएट ए लिंक, एडिट या तो व्यू। सो फोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है वहां पे। कैन वी क्रिएट गूगल फॉर्म इन हिंदी? यस, वी कैन क्रिएट गूगल फॉर्म इन हिंदी, इन एनी लैंग्वेज। इनफैक्ट वी कैन क्रिएट, आई विल शो यू कि हिंदी में भी मेरे पास है, इनफैक्ट मेरे पास गुजराती में भी है। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आई विल बी इन अ पोजीशन टू शो यू, बट यस, इट इज कॉपी पेस्ट। आप सिर्फ और सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना है, आपका जो फॉन्ट है वो। आप जैसे ही फॉन्ट हिंदी में लिखोगे तो आपको वो हिंदी में शो करेगा। All right, here Hindi link, English and Gujarati. I'll show you all three. So Hindi में आप देखोगे तो ऊपर ही Hindi लिखा हुआ आएगा, and this is in the Hindi. So we can create Hindi form like this, and we have in Gujarati also. So we can create Gujarati links like this, and of course English is possible. All right. Is there any other questions? Because बहुत सारी चीजें हैं and time कम है, तो I think we will keep one more session. I'll request sir कि एक और session करें और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ question answers के बारे में हम बात करेंगे. Your questions we will see. I'm sharing my contact number, so if you have any queries you can connect with me. मेरा mobile में थी. हाँ. मोबाइल માંથી 4-5 જીમેલ આઈડી એક સાથે આપણે સાઇન ઇન થયા હોય તો એમાંથી સાઇન આઉટ કરવા માટે ત્યાંથી એક તો સાઇન આઉટ નું ઓપ્શન હોય છે, અધરવાઇઝ બેટર એ છે કે સાઇન આઉટ જેવું ઓપ્શન એક્ચ્યુઅલી કઈ વર્ક નથી કરતું, એટલે તમે ત્યાંથી રિમૂવ કરી દો એ એકાઉન્ટને. ઓકે, હા, એ વધારે એડવાઇઝેબલ છે કારણ કે સાઇન આઉટ જેવું તો કશું હોતું જ નથી. હા, એટલે મોબાઈલ માંથી સાઇન આઉટ નથી થતું ને. હા, મોબાઈલ માંથી સાઇન આઉટ. હા, એટલે ત્યાંથી રિમૂવ કરી દેવું પડે એ એકાઉન્ટ. ઘણી વાર એવું થાય છે કે આપણે 2-3 એકાઉન્ટ કરી દીધા હોય પણ. હેલો મેમ, એક ક્વેશ્ચન છે. જી મેમ, આપણે એક્સેલ ની અંદર ફોર્મેટ પેજ નું ઓપ્શન હોય છે. હા હા, તો એ આપણે ગૂગલ શીટ ની અંદર ફોર્મેટ પેજ નું ઓપ્શન છે? એક સેકન્ડ. હા, નોર્મલી જ્યારે બંને વાપરતા હોઈએ ને તો આનું ઓપ્શન આપણે સિલેક્ટ નથી કરતા હોતા, એટલે જસ્ટ આઈ જસ્ટ હેવ ટુ ચેક ઇટ આઉટ. હા, છે, આ રહ્યું. તો ધીસ ઇઝ ફોર્મેટ પ્રિન્ટની બાજુમાં. ઓકે મેમ, યસ, થેન્ક યુ મેમ, થેન્ક યુ. યસ.